आज मैं एक बहुत गंभीर मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हूँ। एक ऐसा मुद्दा जो दिल्ली के 46 लाख परिवारों से जुड़ा हुआ है। आज से दिल्ली के 46 लाख परिवारों की बिजली सब्सिडी रुक जाएगी, जो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, बिजली की सब्सिडी देती है, जिसके तहत 200 यूनिट तक बिजली फ्री होती है, 200 से 400 यूनिट तक 50% बिजली का बिल माफ होता है, जिसके तहत वकीलों को, किसानों को, 1984 के दंगों के पीड़ितों को बिजली की सब्सिडी दी जाती है। आज से वो सारी बिजली की सब्सिडी रुक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कल से जो बिजली के बिल दिल्ली के उपभोक्ताओं को मिलेंगे, उसमें उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो जिसको जीरो बिल आता था, कल से उनको बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे। जिनको 50% छूट मिलती थी, उनको भी बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे। ये सब्सिडी क्यों रुक गई है? ये सब्सिडी इसलिए रुक गई है क्योंकि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो निर्णय लिया, कैबिनेट में निर्णय लिया कि हम आने वाले वर्ष में भी बिजली की सब्सिडी जारी रखेंगे, उस सब्सिडी की फाइल एलजी साहब अपने पास रख के बैठ गए हैं। वो फाइल एलजी साहब को भेजने के बावजूद उनके ऑफिस द्वारा रख ली गई है, और जब तक वो फाइल एलजी ऑफिस से वापस नहीं आती है, तब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार सब्सिडी का पैसा रिलीज नहीं कर सकती है। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास पैसा है, पैसा दिल्ली की विधानसभा ने पास किया है, इसका निर्णय दिल्ली के कैबिनेट ने ले लिया है, लेकिन उसके बावजूद अब बिजली की सब्सिडी रुक जाएगी। कल सुबह मेरे पास दिल्ली की एक बिजली कंपनी से चिट्ठी आई, टाटा पावर से। उन्होंने उस चिट्ठी में स्पष्ट तौर पे लिख के बताया कि क्योंकि उनको आने वाले साल के लिए कोई भी सब्सिडी की सूचना नहीं मिली है, इसलिए आज से वो नॉर्मल बिलिंग यानी बिना सब्सिडी की बिलिंग शुरू कर देंगे। उसके बाद कल ही बाकी जो बीएसईएस की दोनों डिस्कॉम्स हैं, उनसे भी मुझे चिट्ठियां आईं, यही बताते हुए कि उनके पास सब्सिडी की कोई सूचना नहीं आई है, इसलिए उन्हें भी आज से नॉर्मल बिलिंग शुरू करनी होगी। जैसे ही मेरे पास पहली चिट्ठी आई, मैंने तुरंत एलजी ऑफिस में टाइम मांगा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे दिल्ली में त्राही त्राही मच जाएगी, ये एक ऐसा मुद्दा है जो 46 लाख से ज्यादा परिवारों से जुड़ा हुआ है। मैंने एलजी ऑफिस में ये मैसेज छुड़वाया कि मुझे एलजी साहब से एक अर्जेंट मुद्दे पे मिलना है और मुझे उनसे केवल 5 मिनट का समय चाहिए, मुझे उनसे आधे घंटे का समय नहीं चाहिए, 1 घंटे का समय नहीं चाहिए, बस एक अर्जेंट मुद्दे पे 5 मिनट का समय चाहिए। उनके ऑफिस ने पूछा किस मुद्दे पे बात करनी है, तो मैंने बताया कि बिजली सब्सिडी के मुद्दे पे बात करनी है। अब उस रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट को 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन 24 घंटे में एलजी साहब मुझे, चुनी हुई सरकार के एक मंत्री को, 5 मिनट का समय अभी तक नहीं दे पाए। उन्होंने फाइल भी अभी तक हमें वापस नहीं भेजी। तो उसका क्या नतीजा है? उसका ये नतीजा है कि आज से इन तीनों बिजली कंपनियों की नॉर्मल बिलिंग शुरू हो जाएगी और मंडे से जो बिल लोगों के पास आएंगे, वो बिना सब्सिडी के बिल आएंगे। तो जो दिल्ली वालों को फ्री बिजली
आधी बिजली, बिजली की सब्सिडी अलग अलग कंज्यूमर्स को मिलती है, वो समाप्त हो जाएगी। देखिए एलजी साहब तो मुझे मिलने का समय दे नहीं रहे हैं, तो मैं सब मीडिया चैनल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एलजी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये बिजली सब्सिडी की फ़ाइल पास कर दीजिए, बिजली सब्सिडी की फ़ाइल वापस भेज दीजिए कि दिल्ली के 46 लाख परिवारों को समस्या ना हो, परेशानी ना हो। धन्यवाद। इस पूरे बिजली सब्सिडी के लिए जो तकरीबन जो पूरा बजट है वो ऑलरेडी दिल्ली विधानसभा द्वारा पास हुआ हुआ है। ये बजट सरकार के पास, बिजली विभाग के पास उपलब्ध है, लेकिन जब तक सब्सिडी की कैबिनेट डिसीजन की फाइल एलजी साहब से वापस नहीं आती है, तब तक ये पैसा दिल्ली की चुनी हुई सरकार रिलीज नहीं कर सकती है। पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, कैबिनेट डिसीजन हो चुका है, बिजली विभाग पैसा रिलीज करने को तैयार बैठा हुआ है, लेकिन जब तक एलजी साहब फाइल वापस नहीं भेजते हैं तब तक बिजली सब्सिडी का पैसा रिलीज नहीं हो सकता, और इसलिए दिल्ली के 46 लाख परिवारों को बिजली की सब्सिडी, अब मंडे से जो बिल उनके घर आएंगे उसमें बिजली की सब्सिडी नहीं मिलेगी। देखिए फाइल गए हुए कुछ दिन हो गए हैं, पर क्योंकि ये एक अर्जेंट मुद्दा है इसीलिए मैं कल से इस मुद्दे पे एलजी साहब से समय मांग रही थी कि इस मुद्दे पे जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए, क्योंकि इस मुद्दे से दिल्ली के 46 लाख परिवारों पर असर पड़ रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक एलजी साहब ने मुझे 5 मिनट का समय नहीं दिया है। अभी इस प्रेस वार्ता में आने से पहले मैंने फिर से अपने ऑफिस से कंफर्म किया कि एलजी ऑफिस से कोई समय तो नहीं मिला, आज मीटिंग का समय तो नहीं मिला, लेकिन अभी तक कल शाम को 6:30-7 बजे मेरे ऑफिस को बताया गया था कि मेरी मीटिंग रिक्वेस्ट अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन अभी तक एलजी साहब ने मुझे 5 मिनट का समय नहीं दिया है। मुझे सुबह टाटा पावर की चिट्ठी आई ये कहते हुए कि अब उन्हें बिना सब्सिडी के बिलिंग शुरू करनी होगी। जैसे ही मुझे पहली बिजली कंपनी की चिट्ठी आई, मैंने तुरंत एलजी ऑफिस में टाइम मांगा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो पूरी दिल्ली में त्राही त्राही पैदा कर देगा, और मैंने उनको यही कहा ऑफिस में उनके कि मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय चाहिए। क्या 5 मिनट का समय चुनी हुई सरकार के मंत्री को देने के लिए एलजी साहब के पास नहीं है क्या? क्या 24 घंटे से मेरी 5 मिनट की मीटिंग रिक्वेस्ट अंडर कंसिडरेशन है? आप ही बताइए कि ऐसे दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी? अगर एलजी साहब एक मुद्दे पर जिससे 46 लाख परिवारों पे असर पड़ने वाला है, मंत्री खुद समय मांग रहे हैं, 5 मिनट समय मांग रहे हैं, एलजी साहब 5 मिनट देने को तैयार नहीं है। मुहावरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरविंद केजरीवाल की सरकार बिजली कंपनियों का ऑडिट ऑर्डर करती है। क्यों करती है? क्योंकि हमें शक होता है कि बिजली कंपनियों से कुछ सांठगांठ चल रही है। हमें क्यों शक होता है? हमें शक इसलिए होता है क्योंकि बार बार दिल्ली की चुनी हुई सरकार से, मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से बिजली से जुड़ी हुई फाइलें छिपाई जाती हैं। वो एलजी साहब से चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से पावर सेक्रेटरी, पावर सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से एलजी साहब के बीच में घूमती रहती हैं। मैं बार बार पूछती हूँ कि भाई फाइल मुझे पुटअप करिए, लेकिन फाइल पुटअप नहीं करी जाती है। इसलिए हमें शक होता है सांठ गांठ है। हमें फिर शक होता है सांठ गांठ है
कि जिन पावर सेक्टर एक्सपर्ट्स को दिल्ली की चुनी हुई सरकार डिस्कॉम्स के बोर्ड में डालती है, जिसमें पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें देश के बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उन एक्सपर्ट्स को बिजली कंपनियों के बोर्ड से एलजी साहब हटा देते हैं, तो निगरानी रखने वाला कौन है? वही अफसर जो फाइलें छिपाते हैं? तो जब अरविंद केजरीवाल की सरकार साठ गांठ के शक से अपनी पावर यूज करते हुए डीआरसी को कहती है कि तुरंत ऑडिट करवाइए, एलजी साहब 16 दिन से ज्यादा वो फाइल रख के बैठ जाते हैं, और आखिरकार हमने जब बार बार वो फाइल वापस मांगी कि हमें स्पेशल ऑडिट करवाना है, तो वो खुद बचने के लिए अब हम पर आरोप लगा रहे हैं। ये तो हास्यास्पद बात है। देखिए, जैसे ही फाइल वापस आती है, जैसा मैंने कहा कि सरकार के पास पैसा है, विधानसभा ने बजट पास किया हुआ है, जैसे ही फाइल आएगी उसके बाद सब्सिडी बिजली कंपनियों को दे दी जाएगी और फिर से सब्सिडी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।